अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की तरफ से आयोजित और जयपुर प्रकोष्ठ की तरफ से द्वारा आयोजित हमारा देवभूमि क्रिकेट लीग के यहाँ पे हम इसका 22 सितंबर से आयोजन लगातार चल रहा है और ये मैचेज जो हैं एवरी संडे को हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। हर एक मैच जो लीग फेज़ में है वो 12-12 ओवर के हैं और उसके पश्चात हम सेमीफाइनल्स में आएंगे, तो सेमीफाइनल्स के लिए भी हमने वही प्रारूप तय किया हुआ है। देन फाइनल हमारा जो होगा वो थोड़ा सा विस्तार से होगा, मतलब थोड़ा सा उसमें ओवर्स की लिमिटेशंस बढ़ जाएंगी। मोर ओवर ये जो टूर्नामेंट हमारा हो रहा है ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत संगठित तरीके से सभी युवाओं के सहयोग से और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके सहयोग से ये चीज़ संपन्न हो रही है। और से सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि और समाजों से हम जो प्रेरणा लेते हैं उसी तरीके से हम भी अपने समाज के लिए कुछ अगर हम इन रिटर्न अगर हम दे पा रहे हैं तो हम इस टूर्नामेंट में इस तरीके से आयोजन को करके दे पा रहे हैं, जिससे कि हमारी एक परस्पर जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। और दूसरी चीज़ है एक दूसरे को हमें जानने का मौका मिला है, जो कि हम उत्तराखंडी जो लोग हम लोग बाहर से आए हुए हैं उत्तराखंड छोड़ छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं एक दूसरे को नहीं जानते, तो इससे हमारे नहीं क्रिकेट में सामाजिक तौर तरीकों से भी और अन्य तरीकों में भी हमारी एक दूसरे से बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो रही है और भविष्य में ये और हम अच्छे स्तर पर इसको करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि न कि राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर हम सारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं स्पेशली जो कि आज थोड़ा सा अपनी बोली भाषा से विमुख हो रहे हैं उनको हम परस्पर साथ लाने की कोशिश करेंगे। तो पहला मैच था वो था यूके ब्रदर्स और वर्सेस यूके वारियर्स, ने जो यूके वारियर्स वाले बहुत अच्छा जीता उन्होंने। नेक्स्ट मैच जो है अभी जो चल ही रहा है अभी, इसमें स्पोर्ट्स वाले जो हैं कॉमन स्पोर्ट्स उन्होंने अभी फील्डिंग की है और अपने जब भारत जो है क्लब्स उन्होंने अभी इस बनाया है स्कोर, तो अभी वो देख लेंगे जो भी है 72 बनाया तो जीत के लिए। भाई अपना ये देवभूमि के लीग जो मैच सब देख ही रहे हैं, मतलब अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं और 10 टीमों में प्लेयर भी अच्छे उभर के आ रहे हैं, सारे जितने प्लेयर हैं अच्छी प्लेयर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सारे जो भी प्लेयर हैं अच्छे अनुशासित और सबसे अच्छा हमारे साथ सपोर्ट करके पूरा साथ दे रहे हैं। अब देख रहे होंगे आपने पूरा 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 ग्रीन अपना पिच है, पूरा बहुत ग्राउंड है अच्छा है, प्लस पिच भी इतना अच्छा है, अभी भी लास्ट ओवर तक बॉल अच्छी बाउंस हो रही है। सेमीफाइनल में भी दो टीमें तो क्लियर कट आ चुकी हैं अपने उसके हिसाब से, जैक अग्रवाल और यूके टाइगर्स, तो दोनों टीमें तो सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है और बाकी का आज डिसीजन होगा शाम को कि दो टीमें और कौन सी उनकी रन रेट के हिसाब से आज पता लगेगा उनका। ये लीग मैच अपने 10 नवंबर तक रहेंगे, 3 नवंबर को हमारा सेमीफाइनल खेला जाएगा और 10 नवंबर को हमारा फाइनल मैच इसी ग्राउंड पे होगा। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो नवयुवक हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, युवा हैं, वो आगे निकलें, तो उनको एक प्लेटफॉर्म हम जो दे रहे हैं यहाँ पे वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे निकलेंगे। अगर इससे स्पोर्ट्स और एक क्या संगठन का जुड़ाव, नए बच्चों का जो नए युवा हैं उनका जुड़ाव होता है और एक हमारी जो उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति है उसका भी यहाँ एक मेल मिलाप देखने को मिलता है, काफ़ी हद तक एक प्रचार और प्रसार इसके द्वारा होता है और जो है युवाओं को बहुत अच्छा यहाँ पे समन्वय है, संगठन है जिसके जो उनका अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। इसमें एक्चुअल एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स भी हैं और एम्प्लॉयज़ भी हैं, क्योंकि अभी काफ़ी हद तक जो है अभी ये इसका प्रचार प्रसार चल रहा है तो धीरे धीरे इसमें स्टूडेंट काफ़ी हद तक आ रहा है अपना भर, और जो युवा है और जो एम्प्लॉयज़ भी हैं इसमें, मतलब कम्बाइंड एक तरह का ज्वाइंट एडवेंचर चल रहा है।